हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मिश्रा जी की बात। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए नहीं पता होगा, और अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना। सो दोस्तों, जो पहला ट्रिक है उसमें आप ड्रॉ करके टाइप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करूँगा वही का वही टाइप भी हो जाएगा, और मैंने जैसे भी लिख दिया। फिर उसे मैं सर्च करूँगा तो मुझे जैसे भी की खुदाई, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो मिल जाएगा। तो उसको मैंने कैसे किया उसको बताने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना होगा। क्रोम ब्राउज़र पे आपको टाइप करना है गूगल, और फिर गूगल की सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स खुल गई, वहाँ पे आपको एक हैंडराइट का ऑप्शन होगा जिसको मैंने इनेबल कर रखा है, आपका डिसेबल होगा, उसको इनेबल कर देना। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको इधर पे स्पेस दिखेगा और ये कट करने का ऑप्शन होगा और सर्च करने का ऑप्शन होगा। तो आप जो भी सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा। सो मैं अगर टाइप करूँ व्हाट, सो आप देख रहे हो कितने आसानी से आ गया, और मैंने स्पेस भी दबा दिया और ऐसे कर लिख दिया JCB। तो आप देख रहे हो कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ये सारे रिजल्ट भी दे रहा है मुझे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है नोटिफिकेशन का। फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके नोटिफिकेशन आते हैं उनको आप एक बार में हटा देते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट थे। तो आपको उसके लिए एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ता है, पर मेरी जो ट्रिक है वो है बिना ऐप के। सो बिना ऐप के भी आप उन नोटिफिकेशंस को देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बस अपने विजेट्स में जाना है, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, ये रहा सेटिंग शॉर्टकट, बस इसे आपको यहाँ पे पिन कर लेना है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन लॉग, सो जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप के, आप इसे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, व्हाट्सएप फ्लाइट फ़ोन का आपको सारे नोटिफिकेशन दिख जाएंगे, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बढ़ते अपने तीसरे ट्रिक की तरफ, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं या फिर कोई फैमिली का मेम्बर होता है जिनको आप मोबाइल देते हो, पर आप नहीं चाहते कि वो आपके सेटिंग्स में जाए, आपके फाइल मैनेजर में जाए, या फिर कुछ और कर सके, वो सिर्फ़ एक ही स्क्रीन पे अटके रहे, या फिर आप कोई गेम भी खेल रहे हो तो आप चाहते हो कि सिर्फ ये गेम ही चले और दूसरा कोई स्क्रीन ना खुले। तो उसके लिए आप अपनी जो स्क्रीन है उसको पिन कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सेटिंग्स में जाना है और अपनी सिक्योरिटी में जाना है, ठीक है। सिक्योरिटी में लास्ट ऑप्शन, ये हर मोबाइल में ऑप्शन होता ही है, तो डोंट वरी फॉर दैट। स्क्रीन पिनिंग आपको ऑन कर देनी है बस। उसके बाद आप इधर देख रहे हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर का स्क्रीन पिनिंग का, सो ये बता रहा है कि अब आपने स्क्रीन पिनिंग इनेबल हो चुका है। सो अब जैसे कि ये क्रोम का जो है ऑप्शन, अब जो क्रोम का ऑप्शन है, सो जो क्रोम पे है उस पर अगर मैं एक क्लिक कर देता हूँ स्क्रीन पिन, सो आप देख रहे हो कि इधर स्क्रीन पिन ऑन हो गया है। और अब अगर मैं बैक जाता हूँ या फिर कोई भी बटन दबाता हूँ तो मैं इस स्क्रीन के बाहर नहीं आ सकता, और मैं ये जो सेटिंग्स है उसको भी नहीं खोल सकता। मैं सिर्फ इसी पेज पे अटका रह जाऊँगा। आप देख रहे हो इसमें दिख रहा है टू अनपिन टच एंड होल्ड ओवर यू। आप पावर बटन भी बंद करोगे तो भी कुछ होगा नहीं। देख रहे हो आप, मैं पावर बटन बंद कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। सो जिसको आप मोबाइल दोगे वो सिर्फ इस एक स्क्रीन पे अटका रह जाएगा, और आप गेम खेल रहे होगे तो आपका दूसरा स्क्रीन नहीं खुलेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और इससे एग्जिट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सिंपली ये जो दो बटन है उनको कस के दबाना है, और आपका जो अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप ऑनलाइन अनलॉक कर लेना। तो ये थे एंड्रॉयड के कुछ बहुत यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक एंड रखते हैं 50 का। मेरा लास्ट वीडियो जो कि था सूरत फायर ट्रेजेडी, उस पर आप लोग की मदद से 3000 व्यूज़ के करीब हो गए हैं, और उस पर थे 36 लाइक्स।
तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाने चाहिए यार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा।